नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहते। कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी यह एक आत्मा थे। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात को एहसास कराया है। एक बार श्री कृष्ण स्वयं राधा बन जाते हैं तो कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो श्री कृष्ण को फफोले आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे, जो राधा और कृष्ण के बीच कैसा अद्भुत प्रेम है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिद्धर से करा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणों तक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मणी अपना चरणों तक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणों तक भगवान के श्रीमुख में, फिर रुक्मणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मणी जी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी लौट कर रुक्मणी की असहमति श्री कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद जी से बोले, देवर्षि इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ और हानि की गणना नहीं करता। धन्यवाद।